एबीपीएस न्यूज़। नमस्कार, एबीपीएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती सिंह और आज आपके लिए आई हूं अखबारों की कुछ सुर्खियां। तो आइए आपको ले चलते हैं दैनिक जागरण के पहले पेज पर, जहां इन्होंने ये छापा है, मुरादाबाद मौसम विभाग की ओर से तूफान आने की चेतावनी। मुरादाबाद मंडल में मंगलवार रात को असर दिखाई पड़ा। अमरोहा जिले में सबसे पहले करीब 10:30 बजे आंधी और बिजली कड़कने के साथ बारिश शुरू हुई। इसके बाद 11 बजते मुरादाबाद और संभल जिले में भी तेज हवाएं चलने लगी। मुरादाबाद में बूंदाबांदी तो संभल में बारिश होने लगी। संभल के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगह पेड़ गिरने लगे, जिसके जरिए महाभियोग मामले में हाई वोल्टेज ड्रामा। सिब्बल के अड़ने पर कोर्ट ने कहा, मामला और कुछ नहीं लगता। कांग्रेस ने वापस ली याचिका। पीठ ने मुख्य न्यायाधीश सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस अस्वीकार करने की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। याचिकाकर्ता कांग्रेस सांसदों की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की पीठ बनाने पर सवाल उठाया। पीठ गठन का आदेश मुहैया कराने की मांग पर अड़े सिब्बल ने जब केस की मेरिट पर बहस करने से इनकार कर दिया, तो पीठ ने उनकी मंशा पर संदेह जताया और मामला कुछ और ही लगता है। बाद में सिब्बल कोर्ट ने उसे वापस लिया मानकर खारिज कर दिया। इसी के साथ अरुण जेटली वित्त मंत्री मुख्य न्यायाधीश को कटघरे में खड़ा करने की इस करतूत की कीमत कर्नाटक में कांग्रेसियों को तत्काल चुकानी होगी। जज लोया केस ने कांग्रेस के झूठे प्रोपेगेंडा की पोल खुल गई और उसी का बदला लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये खबरें मेरे सहयोगी अजय प्रताप जी के साथ। एबीपीएस न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक, ट्विटर, Google+ को लाइक फॉलो जरूर करें। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रताप सिंह और बाकी की खबरें हैं, जिसमें सबसे पहले है, चुनावी इतिहास में पहली बार ई नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। कलकत्ता से प्रकाशित इस खबर में बताया गया है कि देश के चुनावी इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ई नामांकन पर मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस मामले में माकपा की बड़ी जीत हुई है। माकपा की ओर से हाईकोर्ट में ई नामांकन मंजूर करने के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि 23 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक ईमेल से माकपा की ओर से जितने भी नामांकन दाखिल हुए हैं उन्हें स्वीकृत किया जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि कितने लोगों ने ई नामांकन दाखिल किए हैं उनकी सूची भी जारी की जाए। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर है दैनिक जागरण के पहले पेज पर, दरबार में कब्रिस्तान के बीच मिलती है शिक्षा। वर्ष 1952 से चालू प्राइमरी स्कूल के बच्चे टीन शेड में पा रहे हैं शिक्षा। इस बात को शिक्षा विभाग की तरफ से देखा जाए तो काफी उदासीनता भरा ये मामला है, जिसमें कब्रिस्तान के बीच में शिक्षा का मामला सामने आया है और 1952 से ये स्कूल चल रहा है। खबर में बताया गया है कि प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा के मद में भले ही करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, लेकिन अफसरों की उदासीनता शिक्षा का स्तर उठाने में आड़े आ रही है। संभल के सराय तरीन के दरबार मोहल्ला में स्थित प्राइमरी स्कूल इसका एक उदाहरण है। संभल में ये स्कूल बना हुआ है जहाँ पे अधिकारियों की उदासीनता के चलते बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर हैं। करीब 1.25 लाख की मुस्लिम आबादी वाले सराय तरीन के मोहल्ला दरबार में स्थित इस स्कूल में 133 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों में पढ़ने की और अध्यापकों में पढ़ाने की ललक है, लेकिन सरकारी उपेक्षा उम्मीदों को तोड़ रही है। तो बड़ी बात यहाँ निकल के आती है कि प्रदेश और केंद्र की सरकार एक तरफ जहाँ तमाम पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहे हैं, चाहे वो किताबों का मामला हो, चाहे वो ड्रेस का मामला हो, तमाम मामले ऐसे हैं जिनको लेकर सरकारें तमाम पैसा खर्च कर रही हैं, लेकिन अगर संभल के इस स्कूल की तरफ देखा जाए तो इसकी तरफ देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसके हालात में सुधार लाने के लिए कोई पहल करने वाला नहीं दिख रहा है। तो ये बड़ी खबर भी दैनिक जागरण में पहले पेज पर छापी गई है। और इनके इस स्कूल के जब प्रधानाध्यापक से बात की गई है तो उन्होंने बताया कि हमारे पास जो व्यवस्था है उससे ही स्कूल चल रहा है। ये जगह दरबार की है, ये केवल हमारे प्रयास से स्कूल के लिए दी गई है। हमें स्थायी जगह मिल जाए तो यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी और स्कूल भी बेहतर हो जाएगा। जी हाँ,
कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को ऐसी जगह पर शायद शिक्षा ग्रहण करने के लिए ना भेजे, जिसके चलते यहाँ पर शिक्षा में छात्र छात्राओं की संख्या काफी कम है। अगर ये अच्छी जगह पर स्कूल संचालित होना शुरू हो जाए तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में इस स्कूल पर बच्चों की छात्र संख्या में इजाफा होगा और यहाँ अच्छे तरीके से शिक्षा बच्चों को मिल सकेगी। तो इसके साथ साथ एडी बेसिक मुरादाबाद मंडल ने भी इस बात पर अपना बयान जारी किया है कि इस स्कूल की जानकारी अभी तक मुझे नहीं दी गई। ये बड़ा सवाल है कि शिक्षा विभाग के इतने बड़े अधिकारी को इस स्कूल की जानकारी नहीं है, ये एक बड़ा सवाल उठ के सामने आता है। तो फिर ये स्कूल चल कैसे रहा है? अगर दूसरे शब्दों में इस बात को कहें, जब सरकारी स्कूलों की ये हालत है तो प्राइमरी स्तर के जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके सामने भी इतनी बड़ी समस्याएं होंगी कि तमाम स्कूल बिना इनकी जानकारी के चल रहे होंगे। जब सरकारी स्कूलों की जानकारी इनको नहीं है तो प्राइमरी स्तर पर जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, हो सकता है कि तमाम स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हों। तो ये शिक्षा विभाग के लिए बड़ी शर्मनाक खबर इसमें छापी गई है, जो यहाँ बच्चे टीन शेड के नीचे पढ़ रहे हैं और 1952 से जो स्कूल चल रहा है उसके लिए अधिकारी कह रहे हैं कि इस चीज़ की उन्हें जानकारी नहीं है। इस स्कूल की अगर दूसरी श्रेणी को देखा जाए तो यहाँ कक्षा एक में 5 और कक्षा 2 में 34 छात्र हैं, कक्षा 3 में 40 और कक्षा चार में 31 और इसके बाद में कक्षा 5 में 23 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। तो बड़ी खबर इसे मान सकते हैं कि यहाँ शिक्षा को लेकर कितनी उदासीनता अधिकारियों के अंदर है, जिन्हें ये भी जानकारी नहीं है कि ये स्कूल 1952 से यहाँ चल रहा है और अधिकारी कह रहे हैं कि इस मामले की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो फिलहाल के लिए सुर्खियों में बस इतना ही, इसी के साथ अजय प्रताप सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार। APPS न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook, Twitter, Google+ को लाइक फॉलो जरूर करें।